दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को मजेठिया भवन में भौतिकी विभाग द्वारा विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व्याख्यान का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ने प्रोजेक्टर के माध्यम से व्याख्यान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रोफेसर एस के दीक्षित, प्रोफेसर ओ पी पांडे, भौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुग्रीव नाथ तिवारी, विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर हरिशरण सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह का सप्ताह का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें देश विदेश के उन नामी हस्तियों को व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है, जिससे कि हमारे छात्र छात्राएं इस बात का अनुभव कर सकें कि किस तरह से अच्छे व्याख्यान दीक्षांत समारोह में आयोजित किए जाते रहे हैं और जब किया जा रहा है। इसी क्रम में आज इस दीक्षांत सप्ताह के व्याख्यान के लिए आप सबको जो इस कक्ष में उपस्थित हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन विज्ञान संकाय की तरफ से मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। परिचित कराए जाए जो आपको एक अवसर प्रदान करते हैं। यदि विश्वविद्यालय में आपके पास सुविधाएं नहीं है तो भी आप अपने शोध से संबंधित यदि कोई आवश्यकता है तो आप इस हेतु अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कुछ स्थापित हुए थे और आने वाले वर्षों में कुछ और की संकल्पना की जा रही है। यह जो त्वरक केंद्र है, आप यहाँ देख रहे हैं एक बैकग्राउंड में आपको एक बिल्डिंग दिख रही है। ये टावर एक्सेलरेटर है, त्वरक है। कल से कोई पूछ रहा था कि हम लोग इसकी हिंदी बना रहे थे और हिंदी को ट्विस्ट करने की चेष्टा हो रही थी कि इसको अगर एक्सेलरेटर के बजाय त्वरक है तो कैसा लगेगा। तो वास्तव में यह त्वरक है और इस त्वरक के द्वारा विज्ञान का पुनर्जागरण या इसमें पुनः देखने की आवश्यकता है, रिविजिट करने की आवश्यकता है। और अगर आप आज के समय में जानना चाहें कि वो कौन से बिंदु है जिस पर आपका ध्यान जाएगा, विश लिस्ट क्या हो सकता है, हमारी इच्छा क्या हो सकती है कि हम विज्ञान को पुनर्जागृत करने के इस समय चर्चा करें, तो हमारे कौन कौन से बिंदु है जिन पर ध्यान देना जाना चाहिए। था इसी समय में जब हम समेटिव असेसमेंट की बात करते थे कि वर्ष भर हमने पढ़ाई की और उस परीक्षण में हमारे मेमोरी का टेस्ट किया जाता था कि कितना आप स्मरण कर सकते हैं और उस स्मरण के बाद आपका एक मूल्यांकन होता था। कालांतर में यह देखा गया कि केवल आपकी स्मरण शक्ति का ही की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आपसे ये जानना चाहिए विशेष करके भौतिकी के क्षेत्र में कि आपने कितना समझा और कितना उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो जो नया लर्निंग सिस्टम है, उस नए लर्निंग सिस्टम में कोई विषय स्पेसिफिकली किसी एक बाउंड्री के अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर आप समाज के प्रति संवेदनशील हैं तो समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किसी एक विधा में निहित नहीं है, एक
अगर ये मान लिया जाए कि भौतिकी के लोग सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। समस्याएं कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और उनका समाधान किसी एक विधा में निहित ना होकर के अंतर विषय है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि होलिस्टिक साइंस एजुकेशन की बात हो और हम लोग अन्य विधाओं को भी उसी तरह से समझने की कोशिश करें जैसे कि हम अपने विषय को समझते हैं। कई अर्थों में साक्षरता का तात्पर्य होता है कि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को किस प्रकार आत्मसात करते हैं, उसके साथ कैसे जीते हैं।